चेंज कर रहा हूँ, सो लेट मी सोच। गाइस ये देखिए क्या 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 सीन चल रहा है, सारा सब कुछ पैक पैक हो चुका है मेरा। आज ही अपन शिफ्ट होने वाले हैं अपने न्यू नेक्स्ट फ्लैट पे। सो गाइस एक्चुअली मेरा चश्मा थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, ठीक है, गलती से मेरा एक फ्रेंड बैठ गया जिसमें पैसे लिए, सो नो इशूज, थोड़ा ठीक हो जाएगा ये। चलते हैं थोड़ा सा मार्केटिंग भी जाए, मार्केटिंग करना है, उससे पहले आपको बस मुझे रात में शिफ्ट भी होना है, बहुत कुछ है यार, बहुत चल रहा है आज को, सो बहुत बिजी रहने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ सब कुछ दिखाता हूँ। एक्चुअली गाइज आज मैं क्लास नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है, तो क्योंकि क्लास जाने नहीं वाला हूँ, इन द सेंस कि मेरा क्लास जो था वो कंप्लीट हो चुका है, तो इट वाज ओनली टू डेज, तीन घंटे का क्लास था आज का, तो तीन घंटे का क्लास मैंने कर लिया। सो अभी चलते हैं, बढ़ते हैं अपने लोकेशन की तरफ जहाँ पर कोई जाना है, वाइट शर्ट हाफ जो भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो बताइएगा कैसा लग रहा है ये, डज इट सूट्स मी और नॉट, हर कभी अच्छा लग रहा है यार, मतलब आसमान सही सही हुआ पड़ा है, तो चेक कीजिए उसे। देख लिया होगा निकलते हैं, मतलब मुझे लेट हो रहा है, तो फिलहाल चलना है अपन को फिलहाल, तो फिलहाल चलता हूँ वहाँ जा करके, जो भी शॉर्ट्स वगैरह होगा जो भी होगा वहाँ जाकर बताता हूँ। गाइस तब ब्लॉग में कट रहे हैं, प्लीज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, लेट हो पड़ा अपन को, शूज़ कैसा लग रहा है बताइए। फिलहाल लाल पे और फिलहाल लाल पे हो गई फाइट, बहुत ज़बरदस्ती फाइट हो गई है यार। देख उस वो वाले भैया और वो ब्लेजर वाले भैया। गाइस नाउ वी आर एट फिलहाल लाल चौक, उधर है और इधर विंडर मार्केट है, और ये शहीद चौक है, तो जस्ट वी आर जस्ट वेलकम लास्ट ऑफ माई चैनल। सो एक्चुअली मैं सुबह से बोल रहा था कि मैं फ्लैट स्विच करने वाला हूँ, एंड फाइनली आई डिड इट। यस मैंने फ्लैट स्विच कर लिया है, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा थकावट सा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, ठीक है, मैं बता भी नहीं सकता हूँ मैं कितना थका हुआ हूँ, बट वन थिंग गाइस मैं बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे रहने में, खुशी से लग रहा है यहाँ पे रहने में मेरे को। सो फ्लैट इज सो नाइस, मैं आपको फ्लैट का एक बार छोटा सा जर्नी मैं दिखाता हूँ आपको। एक्चुअली बहुत थका हुआ हूँ, थिंग्स आर नॉट अरेंज्ड, बट देन ऑल्सो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए मेरी दोनों की दोनों आँखें सूज चुकी हैं, एक्चुअली सुबह से लेकर के कंटिन्यूस रात तक 8:30 बजे तक मैं ऐसा ही रह गया। आज मुझे ब्लॉग एडिट भी करना है, फिर ब्लॉग अपलोड भी करना है, एंड मैनी थिंग मोर। सो चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को फ्लैट का एक छोटा सा जर्नी, ठीक है, सो लेट्स गो, लेट्स चेक दिस कि कैसा है मेरा फ्लैट, बताइए मुझे। गाइस दिस इज़ माय रूम, और आज का मेरा बेड यहीं पे है, चौकी रही, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस क्योंकि मैं इसी में कम्फर्टेबल हूँ बहुत ही ज़्यादा। सो आई हैड अरेंज्ड ऑल दिस थिंग्स, और देखिए मेरा हॉल है क्योंकि ये पूरे फ्लैट पर अकेला मैं ही हूँ अभी, सो दिस इज़ द हॉल, इट लुक्स गुड, और ये रूम पूरा भी खाली पड़ा हुआ है, उसे इग्नोर कर दो गाइस। सो ये दो वॉशरूम है, दिस इज़ द इमरजेंसी गेट एज पर द ओनर, एंड दिस इज़ आवर किचन गाइस, ये हमारा किचन है, इट्स 3 BHK फ्लैट, सो एक रूम लॉक्ड है अभी। एक्चुअली आई वॉज सर्चिंग फॉर ए फ्लैट जो कि ग्राउंड फ्लोर पर मिल जाए मेरे को, मेरे को कुछ ईजी हो जाएगा जाना आना जाना, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं, बस गर्मी का मौसम
उसमें भी आपको अच्छे जगह पे अगर ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाए तो वो बहुत ही सही है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ग्राउंड फ्लोर पे ही दे दिया जाए। तो आफ्टर रिसर्च ऑफ 1.5 महीने से मैं खोज रहा था, लास्ट में आके मुझे मिला। सो अब मैं खुश हूँ, यहाँ पे बहुत ही खुश हूँ। सो आप लोगों ने देखा कि मेरा फ्लैट कैसा था। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा फ्लैट है, CBSE फ्लैट है। तो एक बंदा ऑलरेडी वो लॉक्ड है रूम, कोई रहता वगैरह नहीं है उसमें, बस सामान वगैरह रखा हुआ है उसमें। और मेरी आंखें सूजी हुई हैं थोड़ी। आई एम गोइंग टेल यू कि देखिए मैं सब कुछ अब यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो पढ़ाई का थोड़ा सेटअप रेडी है मेरा, यूट्यूब का भी धीरे धीरे इसी रूम में रहेगा जो भी रहेगा। सो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, मैं देखते हैं क्या। गाइस एक्चुअली द बिगेस्ट थिंग इज़ क्या हुआ ना मेरे साथ में, मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहता। बट जो मेरा प्रीवियस जो मेरे ऑनर थे, जो मेरे लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने मुझे कम्प्लीटली मतलब जब मैंने उन्हें ये बोला कि सर मैं जा रहा हूँ, सो ही हैड ट्रीटेड मी सो अनवेल। बहुत गंदे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, क्योंकि मुझे लिटरली पीछे 1% भी अच्छा नहीं लगा। सो आई एम सॉरी अंकल आप, बट आई डोंट नो आपका बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सो मुझे फर्क नहीं पड़ता आपको कब क्या सोचते हो उस बारे पे, लेकिन आपने जो भी किया लास्ट 8 to 10 hours में, आपकी फिर आंटी ने भी मुझे अच्छे से, आंटी ने भी बहुत गंदे तरीके से मेरे से बात की, जबकि मैंने बस इतना बोला कि मेरे को फ्लैट चेंज करना है। जितना भी मेरा रेंट वगैरह था मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, बट देन ऑल्सो एट द लास्ट आप लोगों ने नहीं समझा सारी बातों को, आप लोगों ने बस अपना प्रॉफिट देखा और उस चक्कर में मुझे सीखना चाहा आप लोगों ने। सो दैट इज़ कम्प्लीटली अनवेल। मैं वहाँ पे भी मैं 4,000-5,000 इतना रेंट दे रहा था मैं, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट फ्लैट। बट आप लोगों ने ये वाला फ्लैट देखा, दिस फ्लैट इज़ ऑसम मैन, इट्स कम्प्लीटली ऑसम। सो देखते हैं। और गाइज जो मेरा लास्ट व्लॉग था, लास्ट व्लॉग में बहुत लड़कों ने और मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि भाई किस बंदे ने मुझे कमेंट किया था, ठीक है। सो कौन से बंदे ने कमेंट किया था मैं वो तो नहीं बता सकता, बट यस मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वो जो भी बंदा है ना, ही सो लक्की फॉर मी जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो मुझे वो कमेंट में लिखता है, मेरे लिए लिखता है, गलत ही लिखता है कोई बात नहीं, बट आई एम हैप्पी विद दैट कम्प्लीटली। भाई तू लिख मेरे बारे में, तेरे को जितना लिखा है तू उतना लिख मेरे बारे में, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर क्योंकि मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं कभी ना कभी तू मेरा ब्लॉग देख ही रहा है, एक्टिव है, तू अगर कमेंट कर रहा है दैट मीन्स तू मेरा ब्लॉग देख रहा है। तो मेरे को तो इट्स वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, तेरी जल रही है और तू ये देख रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कैसे खुश हूँ, तो वो सही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तू करता जा और दस अकाउंट बना करके मुझे तू कमेंट करता जा, भाई तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू कंटिन्यू कर दे। अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो मैं तेरे को और आईडीज बना के दे दूंगा, उससे भी कमेंट लिखा कर, ठीक है। सो गाइस लेट्स फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और लास्टली मैं इस ब्लॉग को एंड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो दोनों पैर हैं वो सूज चुके हैं, बहुत थक चुका हूँ गाइस, बहुत थक चुका हूँ। 4 to 5 hours ऑफ कोचिंग, आज कम कोचिंग था, 4 to 5 hours ऑफ कोचिंग, फिर उसके बाद डेली बाय डेली एक ही शेड्यूल को मैं फॉलो करता जा रहा था, अपने बॉडी पे कोई ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, अपना वर्कआउट नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं सही से कर पा रहा था। बट नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। सो आई एम ऑल्सो प्रेइंग कि मेरा जो भी है सब कुछ सही हो जाए, बस मैं यही विश कर रहा हूँ ऊपर वाले से। और एट द लास्ट ऑफ दिस ब्लॉग आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, यार ऐसे जगह पे मत रहो जहाँ पे आप खुश नहीं हो, ठीक है। आपको जहाँ पे शांति नहीं मिल रही है, हाँ एक और बात, जैसा मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि मेरा जो चश्मा है वो मेरा एक फ्रेंड के मेरे एक फ्रेंड्स पे बैठ गया था, जिसकी वजह से कि वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। आई हैड रिपेयर्ड इट, मैंने रिपेयरिंग में दे दिया था उसे। सो दे टुक सम मिनट्स टू रिपेयर दिस। सो नाउ गाइज ये प्रॉपर सही तरीके से है। इससे पहले क्या हो रहा था ना कि ये जो साइड वाला था इट वॉज हियर, ठीक है, इट वॉज समथिंग हियर, और मुझे ऐसे देखना पड़ रहा था, तो द एंगल वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग।
मेरा सर दर्द करने लगा था उस चक्कर से। सो कोई दिक्कत नहीं है, अब सब कुछ सही है। सो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो। और आई डोंट नो मेरे चैनल पे बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ए डे विल कम जिस दिन सही से कुछ होगा। बस इतना पेशेंस रख रहा हूँ खुद पे, आप लोगों पे इतना बिलीव है कि जैसे मेरे 1.5 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हो गए, सो क्या बोलूँ, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन पेंडिंग में रखा हुआ है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ जस्ट ड्यू टू मेरा जो कोचिंग वगैरह था, जस्ट ड्यू टू मेरे जो भी बैचेस चलता है, मैं उसे मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ सही से। तो यार क्या सेलिब्रेशन करूँगा, कब सेलिब्रेशन करूँगा, अपना लाइफ स्टाइल को तो मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या ही सेलिब्रेशन। सो कोई गल नहीं है, वो सब भी होगा, सब कुछ होगा, धीरे 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 सब कुछ होगा। सो चलते हैं, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और अगर चैनल पे न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दो यार। प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मांग रहा हूँ, थोड़ा सा बस ब्लॉग को शेयर करो, क्योंकि आई एम जस्ट ग्रोइंग लिटिल 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 लिटिल, बट आई नो आई विल ग्रो। धीरे धीरे ही ना होता है, एक एक सीढ़ी करके ही आप छत पर पहुँचते हो, मैं इतना सब बात जानता हूँ। और अभी मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे ही हूँ, तो मुझे छत पे जाने में टाइम तो लगेगा ही, तो कोई गल नहीं है। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खाते पीते रहो, और जम के मेहनत करते रहो। द डे विल कम जिस दिन आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, बहुत सही से मिलेगा। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग का मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ, और आप लोग भी वेट करोगे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। बहुत रात हो चुकी है, आई डोंट नो कितनी रात हुई है, बट बहुत रात हो चुकी है। द टाइम इज़ राइट नाउ 11 PM, 11 बज गए हैं, ठीक है। और इतना थक हारने के बाद भी मैं मतलब मैं ब्लॉग करने के बैठ गया, ये बोल कर कि यार मुझे ब्लॉग एंड करना है, अभी एडिट करना है, शेड्यूल पे लगा देना है ताकि सुबह 8 बजे ब्लॉग आ जाए, आप लोग वो लोग देख लो। बस चलिए, बाय बाय, टाटा।